एवरीवन, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर नंबर टू, क्वेश्चन नंबर एट। मोहन हैज बॉट रुपीज 10,000, यानी मोहन के पास में टोटल कितने रुपीज हैं? 10,000 रुपीज हैं। ही बॉट वीट फॉर 4,500, उसने वीट यानी ये गेहूं खरीदे अपने 4,500 रुपीज के। एंड राइस फॉर रुपीज 1,600 या 1,600, और उसने राइस कितने रुपीज के खरीदे? 1,600 के। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, टोटल मनी उसके पास में 10,000 रुपीज थी, उसमें से उतने इतने और इतने खर्च कर दिए। हमसे पूछा हुआ है कि उसके पास में पीछे कितने रुपीज बचे, तो क्या करेंगे? वीट बॉट, उसने वीट कितने रुपीज का खरीदा? ये हो जाएगा हमारा रुपीज 4,500 का। और क्या लिखेंगे? राइस बॉट, यानी उसने राइस कितने रुपीज का खरीदा? राइस के लिए आ जाएगा हमारे पास में रुपीज 1,600। तो टोटल मनी स्पेंड कितना हो जाएगा? टोटल मनी स्पेंड, यानी उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, इसके लिए क्या कर देंगे? इन दोनों रुपीस को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 5 + 6 = 11, 11 + 1 = 1, 4 + 1 = 5, + 1 = 6, यानी उसने 6,100 रुपीस खर्च कर दिए। उसके पास में टोटल रुपीस थे 10,000। अब हमें इसमें बताना है कि उसके पास में टोटल मनी कितनी बची, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल मनी, उसके पास में टोटल मनी कितनी थे? रुपीस 10,000। और मनी स्पेंड कितना है, उसने कितने मनी खर्च कर दिए? मनी स्पेंड इक्वल्स टू रुपीस 6,100। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनी लेफ्ट विद हिम, मनी लेफ्ट यानी उसके पास में पीछे कितने रुपए बचे। अब बचे कितने रुपए, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे क्या क्या था, ऐड किया था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो जीरो में से जीरो गए, जीरो, जीरो में से जीरो गए, जीरो, जीरो में से वन नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक बोरो लेंगे। यहाँ पे टेन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन की जगह पे जीरो, सॉरी जीरो की जगह पे टेन, टेन में से वन गए नाइन, पीछे यहाँ पे बचे नाइन, तो नाइन में से सिक्स गए, पीछे बचे थ्री, तो मनी लेफ्ट विद हिम इक्वल्स टू 3,900 रुपीज़ उसके पास में पीछे बचे। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, अ टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रंस वर गिवन ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो अंडर बागावास वास पंचायत इन थ्री फेसिस, यानी तीन फेसिस के अंदर कुछ पोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बच्चों में पोलियो की दवाई दी गई। अब हमें अलग अलग तीन फेसिस का दिया हुआ है कि फर्स्ट फेस के अंदर कितने बच्चों को दिया गया, सेकंड फेस के अंदर कितने बच्चों को दिया गया, और थर्ड फेस में हमसे पूछा हुआ है कि थर्ड फेस में कितने बच्चों को दिया हुआ होगा। तो देखिए, चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेटेड इन फर्स्ट फेस, यानी फर्स्ट फेस के अंदर कितने बच्चों को पोलियो की दवाई दी गई, तो वो है 2,780 बच्चों को ये पोलियो की दवाई दी गई। चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेटेड इन सेकेंड फेस, ये 2,925। तो टोटल चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेटेड यानी फर्स्ट फेस और सेकंड फेस के अंदर टोटल कितने बच्चों को दवाई दी गई, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में आया 5,705। और हमें बोला हुआ है कि टोटल बच्चे कितने हैं बागावास, बागावास गांव के अंदर, तो वो है 8,976। इतने टोटल बच्चे हैं, इतनों को दवाई दे दी, पीछे कितने बच्चे बचेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेटेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड फेस, ये हो जाएगा 5,706। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेटेड इन थर्ड फेस। देखिए, थ्री राउंड्स के अंदर बच्चों को दवाई दी गई, पहले राउंड में इतने बच्चों को दवाई दी गई, सेकंड में इतनों को दी गई, टोटल बच्चे इतने हैं, हमसे पूछा है कि थर्ड फेस के अंदर कितने बच्चों को दवाई दी जाएगी, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर टोटल है उसमें से ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा बच्चे का नंबर। ये है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एडमिनिस्ट्रेटेड इन थर्ड फेस। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद इन इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स। अब ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे हिंदी अरबिक नंबर हैं या इंडियन स्टाइल में नंबर हैं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा एडिशन का साइन है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो तो हमारे एडिशन के, नीचे वाले क्वेश्चन है वो हमारे सब्ट्रैक्शन के। तो देखिएगा, ये जो है ये नंबर है हमारा 8, तो 8 + 4 ये होता है 12, तो 12 का 2 1 कैरी, 6 + 1 = 7, 7 + 5 = 12, 12 + 2 = 1 again carry, तो हो जाएगा देखिए 5, ये होता है 5 + 1 = 6, 6 + 3 = 9,
तो 9 का 9 और 2 प्लस 4 6। ये सिंपल एडिशन के क्वेश्चन हैं। बस यहाँ पर ये है कि ये हिंदी अरबिक नंबर हैं, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। अब ये वाला जो नंबर है ये है हमारा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 8। तो 8 के लिए देखिए ये वाला नंबर भी, ये वाला साइन भी होता है हमारा, ये नंबर ये साइन भी होता है, ये 8 शो करता है, ये साइन है, ये भी 8 शो करता है। और 8 की जगह पे अगर हम लोग चाहें तो ये वाला साइन ये भी 8 शो करता है। तो बुक्स के अंदर तो ये वाला 8 शो है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो ये 8 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 प्लस 1, तो 8 के लिए क्या कर सकते हो, या तो ये वाला साइन यूज़ करो, तो जैसे ये हो जाएगा 8, ये हमारा 5 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 11, तो 11 का 1 1 कैरी। ये वापस हमारा आ गया इधर 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 8 4 प्लस 8 12, तो 12 का 2 1 कैरी। अभी देखिएगा ये तो हो गया 2 प्लस 3 3 प्लस 4 7, तो 7 के लिए हमारे पास में ये नंबर होता है ये, तो ये हो गया 7 2 1 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा ऊपर तो है 3, नीचे है 6, 3 प्लस 6 ये होता है हमारा 9, तो 9 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया 2 प्लस 7 हो गया हमारा 9, तो अगेन 9 के लिए वापस ये आ गया हमारा 9, ये हमारा 6 6 प्लस 8 14, तो 14 का 4 और 1 1 कैरी। ये हमारे पास में 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, ये हो गया 1, और ये 0 के लिए जैसे हम नॉर्मल 0 लिखते हैं वैसे ही ये 0 लिखना है। ये हमारे पास में वापस आ गया 7 7 प्लस 2 9 7 प्लस 2 9, तो 9 के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसे ही है। ये 9, ये आ गया 5 5 प्लस 1 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये आ गया हमारा 6, सॉरी ये हमारा, ये है हमारा 5 प्लस 1 6, तो 6 के लिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 6, ये है 4 प्लस 8 12 12 का 2 1 कैरी, ये चाहे 1 ऐसे लिखो या सिंपल ऐसे लिखो। ये हमारा 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8, तो 8 के लिए देखिए हमने मैंने बताया आपको ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 8। नाउ फिफ्थ पार्ट, ये हमारा, ये अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो ये हमारा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 होता है हमारे लिए 3, तो 3 कैसे लिखेंगे, 3 जैसे 3 लिखते हैं वैसे लिखना है, ये 3 और नीचे ऐसे ये लाइन खींच देनी है। तो ये हमारे इस बार है 3 3 माइनस 6, अब देखिए 3 में से 6 नहीं जा सकते, तो यहाँ के लिए क्या लेंगे, एक बोरो लेंगे, यहाँ पे बचे, यहाँ पर है 6, तो पीछे कितना बच जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर पीछे बच जाएगा 5, तो ये हमने लिख दिया 5, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। अब देखिए 13 माइनस 6, ये बचेगा हमारा 7, तो ये हमारा हो गया 7 का साइन। यहाँ पे बचा 5 5 माइनस 8 नहीं जा सकता, ये इधर आ जाएगा, तो 5 से यहाँ से पीछे बचेगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 हमारा वापस आ जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 7 3। अब ये 6th और 7th भी सिंपल ऐसे ही हैं, बस यहाँ पे हिंदी अरबिक नंबर्स की ध्यान होना चाहिए। मैंने PDF में ये नंबर शेयर किए हैं, तो हमारे से बुक PDF की हेल्प से नंबर लिख सकते हैं उनको। ये 8th आपके लिए होमवर्क है।